नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के सुन आप सभी को कैसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके जब भी आपके फोन पे कोई कॉल करेगा तो उसकी फोटो नजर आ जाएगी और ये देखकर आपके जितने भी दोस्त होंगे वो पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि भाई, जब भी तुझे कोई कॉल करता है तो उसकी फोटो तेरे फोन में कैसे आ जाती है। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी ट्रिक है, किस तरीके से इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको भी इस ट्रिक के बारे में अच्छी तरीके से पता चल सके। तो चलिए अब जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उनको लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको एक छोटा सा घंटी का आइकन नजर आएगा तो इसे आप दबा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की जितने भी वीडियोज आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप सभी को नीचे एक छोटा सा कमेंट कर देना है, कमेंट में आप सभी को मैजिक फोटो लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैजिक फोटो लिख दीजिएगा, उसके बाद आप सभी को इसे सेंड कर देना है। उसके लिए आप सभी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद किसी की भी कॉल आने पर उसकी फोटो को देखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको डाई थीम का एक ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी गैलरी में जो भी आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर जिसकी भी फोटो होगी उसकी फोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर नीचे आपको डन का एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो है ना, जब भी आपको कोई कॉल करेगा वो आपको नजर आ जाएगी। अब यहां पर आप इसके बटन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, इसके लिए ऊपर आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने काफी सारे यूनिक बटन आ जाते हैं जिन्हें आप कॉलिंग के दौरान यूज कर सकते हैं।